कांग्रेस लेबर सेल के अध्यक्ष बीरेंद्र पासवान की अध्यक्षता में आवासीय कार्यालय गंसाडी में रविवार को एक आवश्यक बैठक की गई। बैठक के जरिए कांग्रेस लेबर सेल के अध्यक्ष ने बताया कि हमारे आवासीय कार्यालय में क्षेत्र के असंगठित मजदूरों के द्वारा एक बैठक की गई। मजदूरों ने अपनी समस्या को बताते हुए कहा कि क्षेत्र में चल रहा है आउटसोर्सिंग, हम लोगों को काम नहीं दे रही है, जिससे हम लोग भुखमरी के कगार में हैं। कई क्षेत्रों में आउटसोर्सिंग प्रबंधक और बीसीसीएल प्रबंधक की मिलीभगत से विस्थापित असंगठित मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, जिससे मजदूरों में रोष व्याप्त है। वहीं रंगदारी चरम सीमा पर है, सभी जगह रंगदार हावी हैं और क्षेत्र के गरीब गुरवा मजदूर भूखे मर रहे हैं। वहीं आउटसोर्सिंग प्रबंधक द्वारा लिखित आश्वासन के बाद भी मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा है। अलकुसा से कोयला डिस्पैच हो रहा है, उसमें लगा था कि मजदूरों को काम मिलेगा, लेकिन ये नहीं हुआ। वहीं कांग्रेस के वरीय नेताओं के समक्ष ये समस्या को रखते हुए हमारा एक प्रतिनिधि मंडल अपर जिला दंडाधिकारी से मिलकर इस समस्या को लेकर वार्ता करेगी और आगे की रणनीति तैयार किया जाएगा। बैठक में शिरोमणि देवी, रीना देवी, प्रमिला देवी, सुरेंद्र राम, सुरविल राम समेत कई मजदूर उपस्थित थे। प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो हमारा आज आवासीय कार्यालय घनसाडी में बहुत सारे असंगठित मजदूर जुटे हुए हैं और इनका मात्र एक ही शिकायत है कि हम भुखमरी के कगार पे हैं। कई क्षेत्रों में कोलियरियों में हमने देखा कि बीसीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग प्रबंधन ये सारा लोग मिल करके और रोजी रोजगार को बंद करते जा रहे हैं। वहीं इनकी रंगदारी चरम सीमा पे है, रंगदार मान नहीं रहा है इनसे, मगर वहीं गरीब भूखे बिलबिला रहा है, तड़प रहा है। तो मैंने अपने सारे मजदूरों को आश्वस्त किया हूँ कि कांग्रेस लेबर सेल लड़ाई लड़ेगी, 20% का हमारा अधिकार है, हम विस्थापित है, आउटसोर्सिंग अगर हमको काम नहीं दे रही है, ट्रांसपोर्टर अगर काम नहीं दे रहा है, तो ये अच्छा बात नहीं है। मैं अपने बड़े नेताओं से कल बात करूंगा, उनको इस हालात से वाकिफ कराऊंगा और एक हमारा प्रतिनिधि मंडल अपर जिला दंडाधिकारी श्री चंदन कुमार साहब के पास भी जाएगा और फिर देखेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर मैं स्वयं जिला के लेटर पैड पर कार्यक्रम रखूंगा और आंदोलन करूंगा।